झारखंड में पहले चरण में 30 नवंबर को चुनाव होना है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बयानों की तल्खी भी बढ़ती जा रही है। गढ़वा में चुनावी सभा करने पहुंचे हेमंत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लातेहार के चंदवा में नक्सली हमला हुआ तो इस ताप पर सियासी रोटी सेकने का काम भी शुरू हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन गढ़वा पहुंचे थे। गढ़वा में इस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन ने सरकार पर निशाना साधा। नक्सल हो गया है, अब इस राज्य में नक्सल खत्म हो गया है। आज का अखबार आप लोगों ने उठा के देख लिया कि आज हमारे कितने सिपाही जाने चले गए, और तो और इन बेईमानों ने ऐसे ऐसे पुलिस सिपाहियों को उस मुहिम में भेजने का काम किया जो नक्सल से लड़ने की दक्षता नहीं रखते। हेमंत सोरेन ने अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर भी उन पर निशाना साधा। राज्य सरकार को दिया है तो पैसा गया था। आज इस राज्य में लोग भूख से मरने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं? आज यहाँ किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? आज यहाँ नौजवान बेरोजगार आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हो रहा है? हेमंत सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन को भी निशाने पर लेते नजर आए। बिहार में जदयू के साथ सरकार बना के जदयू के लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, लोजपा सरकार में लोजपा भी चुनाव लड़ रहा है, बताइए कौन सा गठबंधन है? चुनाव को लेकर बयानों की तल्खी बढ़ने लगी है, आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। कहीं ऐसा ना हो कि सियासी वार पलटवार के बीच विकास कहीं पीछे छूट जाए। आशुतोष रंजन, न्यूज 11 भारत, गढ़वा।